नमस्कार, ये एक तरफ तस्वीरें आप कैथल के पहेवा चौक की देख रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि आसमान में जो काली घटाएं हैं वो छाई हुई हैं, और इसके दूसरी साइड आप देख रहे हैं कि कैथल में कितनी ज़ोरदार बारिश हुई है, जिसका किसानों को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। आपको बता दें कि कैथल में 2 घंटे की बारिश से सड़कें लबालब नजर आई, प्रशासन के पानी निकासी के दावे फैल होते नजर आए, जो करनाल रोड व अम्बाला रोड पर पानी निकासी के लिए नाले बनाए गए वो सभी ब्लॉक हैं, जिसकी तरफ प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। हम आपको ये तस्वीरें कैथल के विभिन्न चौक चौराहों की दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे कैथल में कहीं कहीं फुट तक पानी सड़कों पर नज़र आ रहा है। हालांकि जो नीची बस्तियां हैं उनमें पानी भर गया, जिस कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आज की बारिश ने किसानों के चेहरों पर छाई चिंता की लकीरों में फिर से खुशी ला दी है। किसान पिछले कई दिनों से बारिश का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, जैसे ही सुबह आसमान में काली घटाएं छाने लगी, किसानों के चेहरों पर मुस्कान की किरणें देखने को मिली। इसके बाद लगभग 2 घंटे की हुई ज़ोरदार बारिश और धान की फसल को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। कैथल शहर में आप देख सकते हैं भगत सिंह चौक, कबूतर चौक, जिला सचिवालय, करनाल रोड, अम्बाला रोड, ढांड रोड, नगर परिषद के सामने शहीद स्मारक, हर जगह कहीं कहीं फुट तक पानी नज़र आ रहा है और वाहन चालकों को काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। कई वाहन तो पानी में भी रुक गए। कृषि वैज्ञानिक रमेश वर्मा ने बताया कि मानसून 16-17 तारीख तक एक्टिव रहेगा, इसके 1-2 दिन बाद फिर से एक्टिव होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि बारिश का सब्जियों को सबसे ज़्यादा नुकसान है, जबकि धान की फसल को सबसे ज़्यादा फायदा है। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कैथल में हर जगह सड़कों पर पानी ही पानी नज़र आ रहा है। हम आपको हर चौक चौराहों की तस्वीरें इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि शहरवासी कैसे पानी में से अपने वाहनों को निकाल रहे हैं। Thank you.